तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आप वैसे सब जानते ही होंगे कि बजाज फाइनेंस के ऊपर RBI ने एक सख्त कदम जो है वो उठाए हैं, ताकि वो जो लोन दे रही है बजाज फाइनेंस सभी व्यक्तियों को, उन लोन देने से बैंक ने बजाज फाइनेंस को रोक दिया है कि आप आगे से लोन नहीं देंगे, है ना। तो ये क्यों RBI ने ये कदम उठाया है बजाज फाइनेंस के ऊपर, क्या इन्होंने गलतियां कर दी थी बजाज फाइनेंस वालों ने जो इसके ऊपर ऐसा ये RBI ने कदम उठाया है, जिसकी वजह से अब जो उसके ग्राहक हैं उनको भी प्रॉब्लम आने वाली है ना। तो आज इसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो RBI है, RBI वैसे तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका पूरा नाम। तो ये सबके ऊपर एक बड़ा बैंक माना जाता है, मतलब बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक। जितने भी हमारे देश में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां काम करती हैं उनके ऊपर जो देख रेख करता है वो एक RBI होता है। RBI ही उनके लिए कानून बनाता है ना, और उनके लिए ये कानून अप्लाई करता है, और उसने कुछ गाइडलाइंस जारी भी कर रखी हैं ऐसी फाइनेंस कंपनियों के लिए और बैंकों के लिए, ठीक है। तो वो जब कोई बंदा या कोई फाइनेंस कंपनी, कोई एंटिटी उसको वो कर देती है, उल्लंघन कर देती है, तो RBI अपने सख्त रुख आजमा कर उनको बंद करने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो ऐसा ही बजाज फाइनेंस कंपनी जो है उसने ये गलतियां की हैं। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के ऊपर RBI ने एक सख्त कदम उठाया है। वो ये कदम है कि अब से जो बजाज फाइनेंस जो है, जो अपने दो लैंडिंग प्रोडक्ट के हिसाब से लोगों को लोन बांटा करती थी, एक तो ई-कॉम और Insta EMI कार्ड के हिसाब से जो लोन बांटा करती थी, अब वो नहीं बांट पाएगी, है ना। वो लोन अब आगे दे नहीं पाएगी किसी को। इससे लोगों को और ग्राहकों को भी दिक्कत का सामना शायद करना पड़ सकता है, पर ये जो रोक है वो हम सभी के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि जो ये बजाज फाइनेंस कंपनी जो है वो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता था उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आती थी, है ना। कोई भी ग्राहक होता था उनको सही तरीके से नहीं बताती थी किस तरीके से उनको रीपेमेंट करना है, किस तरीके से उनको जो है उनके ऊपर जो ROI है वो किस तरीके से अप्लाई होगा और कितना ROI लगेगा। तो इन चीज़ों में जो उनकी टर्म और कंडीशन जो हुआ करती थी उसके अंदर कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिससे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने इनको, क्या, बजाज फाइनेंस कंपनी को इनके दो प्लेटफॉर्म से लोन देना बंद कर दिया है ग्राहकों को। उन्होंने, RBI ने मना कर दिया है साफ साफ बजाज फाइनेंस को कि आपका जो लैंडिंग प्रोडक्ट है ई-कॉम और Insta EMI कार्ड, उसको आपको बंद करना पड़ेगा, है ना। और अगर जब ये बंद हो जाता है तो ग्राहकों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, पर जिनका लोन पहले से चल रहा है उनको ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यह है कि अगर कोई बंदा लोन लेने जा रहा है उन कंपनियों से, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं लेकर आते हैं अपने काम के अंदर, तो तब तक ये जो इनके ऊपर जो रोक लगी गई है वो ऐसे ही लगी रहेगी दोस्तों। तो अगर आपको लोन वोन की ज़रूरत पड़ती है इसी बैंक से, अगर आपको लेना है ये बजाज फाइनेंस से ही लेना है, तो अभी कुछ समय रुक जाए, जब ये रोक हट जाए RBI के द्वारा, तो आप फिर वहाँ से दोबारा लोन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। थैंक